साउंड जो होता है ना हीरो की तरह होता है, साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुमने डबल एक्शन कर दिया, तुमको मैंने मना किया था, तो तुमने तुम वर्ड के ऊपर ही ये डाल दिया है, तो ना तुम आने वाला ठीक से, ना ये थंप आने वाला, तो उसके लिए एक्टरों के साथ समझना पड़ता है, तुमको मैंने मना किया था, पहले साउंड निकाल दो। और एक और चीज़ उन्होंने की थी, कुलदीप सूद जी ने मेरे को बताया था जब हम लोग फिर भी दिलस्तानी का री रिकॉर्ड कर रहे थे, कि शोले का जो सिक्का होता है ना, जो धर्मेंद्र जी लास्ट में फेंकते हैं, कि वो दोनों साइड देखते हैं कि एक ही होता है, और वो फेंकते हैं कि जय तूने मेरे साथ धोखा दिया है, तो उसका कड़ंग 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 साउंड अच्छा नहीं आ रहा था। तो क्या करें, खूब सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कॉइन गिरने का साउंड, रिकॉर्डिंग ठीक से हो ही नहीं रही थी। तो एक बार वो स्टूडियो में ऊपर से सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, तो आते आते वो ऊपर के पॉकेट से उनका एक सिक्का गिर गया, तो सीढ़ी भी गिरा, कड़िंग 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 कड़िंग, उन्होंने बोला यही साउंड है करेक्ट एकदम। तुरंत नागरा मशीन बुलाई जिससे साउंड रिकॉर्ड होता, तुरंत असिस्टेंट को बुलाया और ऊपर से तीन चार बार सिक्का गिराया, उसमें से एक करेक्ट आ गया, उसको रिकॉर्ड करके। तो सिनेमा मैजिकल है हर जगह पर, मतलब तुम शूट क्या कर रहे हो, एडिट कैसा हो रहा है, बैकग्राउंड कैसा डल रहा है, साउंड इफेक्ट कैसा आ रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, तुम्हारे डायलॉग को एनहांस कैसे किया जा रहा है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग के टाइम पे किस चीज़ को हटाया जा रहा है, किस चीज़ को रखा जा रहा है, मैजिकल है। तुमको ऐसा प्यार हो जाएगा सिनेमा से, तुमको लगेगा कि सब बाकी जूनियर आर्टिस्ट लाइफ में, ये मैं स्पेशल हूँ, मतलब मैं जो पढ़ते हुए दिख रहा हूँ मैं स्पेशल हूँ, तुम पगला जाओगे उस प्रोसेस को देख के, पगला जाओगे, इतना मैजिकल है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक्टर्स जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो काम पकड़ रहे हैं, उनको लग रहा है हम मॉडल एक्टर हैं, वो सीख नहीं रहे, वो बिना सीखे जा रहे हैं, तो संघर्ष तो हो गई। अगर मैं किसी तुमको बोलूँ वो अल्टी पल्टी उठा, तुमको मालूम नहीं अल्टी पल्टी किसको बोलते हैं, अच्छा वो स्टूल होता है जो अल्टी पल्टी दोनों यूज़ हो जाता है, वो कैमरा वाला यूज़ करते हैं उसको, जिसकी हाइट कम होती तो उसको अल्टी पल्टी पे खड़ा किया जाता है। अब ये चीज़ें तुमको मालूम ही नहीं है, तो मालूम रहेंगी तो तुम्हारे कान में उसकी हैबिट रहेगी, तो और इफेक्टिव और ज़्यादा बेटर एक्टर बन जाओगे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे वॉइस चेंज करना है, कैसे तुमको पिचिंग करनी है, और उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और डिस्टेंस में कैसे क्रिएट करना है, तो क्या होगा, तुमको सिनेमा पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बस तुमको रेडी होना है। साउंड तुम यहाँ से निकालोगे तो वो डालेगा, प्रोसेस करेगा। जैसे बच्चन साहब विस्पर में कितने हस्की तरीके से बोलते हैं ना, कि एकदम नीचे सुर में बोलेंगे वो, उनका उनको अस्थमा है, तो उन्होंने अपनी मिस्टेक, अपनी प्रॉब्लम को पंच लाइन की तरह कर लिया है, आज कुछ तो बहुत होगा, तुम उन्होंने इस तरीके से कर लिया उसको, वो पंच वो बन गया है, मतलब उनका एक स्टाइल और एटीट्यूड बन गया, तो तुम भी कर सकते हो। तुमको 24 घंटे अलर्ट रहना है एज एन एक्टर, तुमको 24 घंटे सिनेमा और अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट रहना है। सिर्फ साउंड नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो अपन आज साउंड डिपार्टमेंट कर रहे हैं, वॉइसिंग कर रहे हैं, फिर अपन अभी एडिटिंग कर चुके हैं, अपन अभी म्यूजिक करेंगे, अपन कैमरा करेंगे, तो धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, अरे बाप रे बाप, मतलब इसको बिना समझे मैं मैदान में उतर रहा था, तो मेरा घंटा मेरा ऑडिशन में होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर्स भी उतने ट्रेंड नहीं है आज की डेट में, अनफॉर्चुनेटली कास्टिंग डायरेक्टर तो छोड़ ही दो, कास्टिंग डायरेक्टर तो सब साले बिल्ली का गूँ है, न लीपने के ना पोतने के, सब दुकान चला रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। इसकी वजह से लोगों के अंदर संघर्ष बहुत बढ़ गया है, और गधा पचीसी की तरह घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, फिर लोगों को लगता है जिम कर लो, ये कर लो, उसमें पैसे डालेंगे, मगर वो वर्कशॉप नहीं करेंगे, वो ये नहीं समझेंगे कि एक वर्कशॉप से 10 दिन के अंदर पूरी ज़िंदगी भर का काम हो जाएगा आपका। तो वो दिशाहीन होना ही, जानकारी नहीं होना ही आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। जो अपन कोशिश कर रहे हैं कि इन 10 दिनों की वर्कशॉप में अपने अंदर वो चीज़ रच बस जाए, समझ रहे हो ना।